बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता इन दिनों अमेरिका में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। इस दौरान नीना गुप्ता सोशल मीडिया के जरिए लगातार फैंस के साथ अपने वीडियो और तस्वीरें भी शेयर कर रही हैं। इन वीडियोस में 62 साल की नीना गुप्ता को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी उम्र बस नंबर्स में ही बढ़ रही है। नीना गुप्ता लगातार फैंस के साथ शॉर्ट ड्रेसेस में वीडियो शेयर कर रही हैं। मगर हाल ही में नीना गुप्ता ने एक शिकायत करते हुए वीडियो शेयर किया है। वीडियो में नीना गुप्ता कह रही हैं कि लगा दी ना नजर, अब खुश हो। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल एनएन बॉलीवुड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। नीना गुप्ता ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में नीना गुप्ता ब्लैक टॉप और आउट ब्लू कलर की शॉर्ट्स पहने हुई नजर आ रही हैं, जिसमें उनके घुटने पर चोट भी दिखाई दे रही है। नीना गुप्ता का ये मजेदार वीडियो फैंस को खूब पसंद आ रहा है। आप भी देखें ये वीडियो। दरअसल नीना गुप्ता लगातार ही अपने वीडियो शेयर कर रही हैं। इससे पहले नीना ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो लाइट ब्राउन कलर की एक शॉर्ट ड्रेस में नजर आ रही थी। इस वीडियो में नीना का लुक कमाल लग रहा था। लगता है नीना के इस लुक को देखकर ही लोगों ने उन्हें नजर लगाई होगी, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट लग गई। हालांकि नीना ने ये बात बड़े ही मजाकी अंदाज में कही थी। अमेरिका में नीना भारतीयों की तरह से जुगाड़ से काम कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो बिना बेलन या मिक्सी के जीरा पीसना बता रही हैं। इस वीडियो में नीना बोतल की सहायता से बड़ी ही आसानी से जीरा पीस लेती हैं। बता दें कि नीना गुप्ता ने साल 2018 में आई फिल्म बधाई हो से एक बार फिर से शानदार कमबैक किया था। फिल्म में नीना गुप्ता ने बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की माँ का किरदार निभाया था। इसके अलावा नीना गुप्ता शुभ मंगल ज्यादा सावधान और सरदार का ग्रैंडसन में नजर आई थी। फिलहाल तो नीना गुप्ता अपनी आने वाली फिल्म गुडबाय को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। इस फिल्म में नीना अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।